पहले जायसवाल की तूफानी और बेहतरीन पारी के लिए एक लहक तो बनता है दोस्तों। दोस्तों आपको बता दें कि वीरेंद्र सहवाग के बाद ये दूसरा ऐसा खिलाड़ी बना जिसने 21 दिन में सबसे ज्यादा रन ठोक डाले। दोस्तों आपको बता दें कि वीरेंद्र सहवाग भी एक दिन में 200 समथिंग रन ठोक डाले थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल तो उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, लेकिन कई सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया और कई सारे रिकॉर्ड को स्थापित कर दिया। आप यशस्वी जायसवाल को नेक्स्ट जनरेशन सुपर स्टार मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए दोस्तों आपको इस मैच का बॉल बाय बॉल पूरा हाईलाइट वीडियो दिखाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम ने स्पिनर के साथ ही मैदान पर उतरी और तेज गेंदबाज खेल रहे रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की चोट की वजह से बाहर हो गए। वहीं मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया था। कप्तान रोहित ने कहा कि जडेजा की जगह कुलदीप, राहुल की जगह रजत पाटीदार और सिराज की जगह मुकेश कुमार खेल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टीम में कई सारे बदलाव किए गए। के लिए जायसवाल और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी क्रीज पर आई। जेम्स एंडरसन ने पहले ओवर की शुरुआत की। भारतीय टीम ने इस मैच में बड़ा स्कोर करना चाहती थी और पिछले मुकाबले में मिली हार का बदला लेना चाहती थी। पहले आधे घंटे में भारत ने कोई विकेट नहीं गंवाया। रोहित शर्मा ने 11 और यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका जड़ करके अपना 14 रन बना लिया। क्रीज पर इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन, जो रूट और टॉम हार्टली गेंदबाजी कर चुके थे। भारत को 40 के स्कोर पर पहला झटका लगा। डेब्यू करने वाले शोएब बसीर ने रोहित शर्मा को ओली पॉप के हाथों कैच कराया। वह 41 गेंदों पर 14 रन बना सके। फिलहाल शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर थे। भारत का स्कोर एक विकेट पर 50 रन के पार जा चुका था। इतने में ही यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका जड़ करके भारत का स्कोर को 89 के पार पहुंचा दिया और 89 के स्कोर पर ही दूसरा झटका लगा। जेम्स एंडरसन ने शुभमन गिल को विकेट कीपर बेन फॉक्स के हाथों कैच कराया। वह 46 गेंदों पर 34 रन बना सके। गिल ने पारी की शुरुआत तो अच्छी की थी और 5 चौके भी लगाए, लेकिन एंडरसन के खिलाफ उनकी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। एंडरसन लगातार सीम और स्विंग के जरिए शुभमन से सवाल पूछ रहे थे। आखिर में गेंद ने शुभमन के बल्ले का किनारा लिया और विकेट कीपर के हाथों में चली गई। इसके कारण शुभमन गिल लगातार अंतराल पे ये 12 पारी में फ्लॉप रहे और इसके कारण शुभमन गिल का करियर भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, शुभमन गिल को और मौके देने चाहिए या नहीं? इस मैच के बाद शुभमन गिल को ड्रॉप कर देना चाहिए? इस वीडियो में कमेंट करके अपना कीमती राय जरूर दें। यशस्वी जायसवाल ने 89 गेंदों पर टेस्ट करियर का 3रा अर्धशतक जड़ा। उन्होंने अब तक 6 चौके और 1 छक्का लगाया। यशस्वी और श्रेयस अय्यर पर बड़ी साझेदारी कर टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाने का दारोमदार था। भारत को 2 झटके लग चुके थे। रोहित 14 और शुभमन गिल 34 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। रोहित को बसीर और शुभमन को एंडरसन ने आउट किया था। पहले दिन लंच तक भारत ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट गंवाकर 103 रन बना लिए थे। फिलहाल यशस्वी जायसवाल 51 और श्रेयस अय्यर 4 रन बना करके क्रीज पर थे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही टीम इंडिया ने खराब शुरुआत की थी। रोहित 14 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं पे एंडरसन का शिकार हुए शुभमन गिल 34 रन बनाकर के आउट हुए थे। लंच के बाद का खेल शुरू हुआ। भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 100 रन के पार था। यशस्वी और श्रेयस क्रीज पर मौजूद थे। दोनों टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक ले जाने की कोशिश कर रही थी। यशस्वी और श्रेयस के बीच अर्धशतक की साझेदारी हो चुकी थी। भारत ने 2 विकेट पर 155 रन बना लिए थे। फिलहाल यशस्वी 86 और श्रेयस अय्यर 21 रन बना करके खेल रहे थे। यशस्वी शतक की ओर बढ़ रहे थे, पिछले मैच से वो चूक गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ ही यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका जड़ करके अपने टीम का स्कोर आगे बढ़ाने का काम किया। यशस्वी जायसवाल ने अपने शानदार फॉर्म को जारी रखा। उन्होंने महज 151 गेंदों पर टेस्ट करियर का 2रा शतक जड़ा। यशस्वी ने टेस्ट डेब्यू पर ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ 171 की पारी खेली थी। अब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगा। बता दिया कि वह आने वाले समय के बड़े बल्लेबाज है। भारत ने 2 विकेट पर 173 रन बना लिए थे। यशस्वी के साथ श्रेयस अय्यर क्रीज पर थे। दोनों के बीच 85 प्लस रनों की साझेदारी हो चुकी थी। भारत को 2 झटके रोहित और शुभमन गिल के रूप में लग चुके थे। भारत को 179 के स्कोर पर 3रा झटका लगा। श्रेयस अय्यर इस टेस्ट की पहली पारी में भी फेल रहे थे। उन्हें टॉम हार्टली ने आउट किया था। विकेट कीपर फॉक्स के हाथों कैच कराया। वह 59 गेंदों पर 27 रन बना सके। श्रेयस ने यशस्वी के साथ 90 रन की साझेदारी निभाई। फिलहाल भारत का स्कोर 3 विकेट पर 180 रन था। यशस्वी 104 और टेस्ट में डेब्यू करने वाले रजत पाटीदार 1 रन बना करके क्रीज पर थे। पहले दिन चाय काल तक भारत ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट गंवा करके 225 रन बना लिए थे, जो कि एक विशाल स्कोर था। यशस्वी जायसवाल 125 और रजत पाटीदार 25 रन बना करके क्रीज पर थे। दोस्तों आपको बता दें कि चौथे विकेट के लिए 40 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। रोहित 14, शुभमन गिल 34 और श्रेयस अय्यर 27 रन बना करके आउट हो चुके थे। यशस्वी और रजत पाटीदार के बीच अर्धशतक की साझेदारी हो चुकी थी। भारत 3 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। यशस्वी ने शानदार चौका जड़ करके अपना स्कोर 128 रनों के पार और रजत पाटीदार 29 रन के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच बड़ी साझेदारी
साझेदारी करने की कोशिश थी। आपको बता दें दोस्तों कि दोनों के बीच साझेदारी कर बड़े स्कोर के और ले जाने का कोशिश कर रहा था। डेब्यू मैच में रजत पाटीदार ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए। दरअसल रेहान अहमद की गेंद को रजत पाटीदार ने डिफेंड किया, गेंद उनके बल्ले से लगकर विकेट कीपर की हाथ में चली गई। रजत ने गेंद पर मारकर उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन तब तक गेंद विकेट पर लग चुकी थी। रजत आउट होने के बाद काफ़ी निराश दिखे। उन्होंने 32 की पारी खेली और अपनी पारी में 3 चौके लगाए, जिसमें कि शानदार स्वीप शॉट भी शामिल था। रजत ने यशस्वी के साथ चौथे विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी निभाई थी। फिलहाल भारत का स्कोर 4 विकेट पर 250 के पार पहुंच गया था। यशस्वी जायसवाल ने 150 रन के नज़दीक पहुँच गए थे। उनके साथ अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों से अच्छी साझेदारी की उम्मीद है। यशस्वी जायसवाल ने अपने 150 रन शानदार चौका मार करके पूरा कर लिया और इसके कारण ड्रेसिंग रूम में मौजूद खिलाड़ियों और स्टाफ ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी दी मिली और भारत के फिलहाल 4 विकेट पर 272 रन बना लिए। यशस्वी ने 151 का पारी खेलने के लिए महज 225 गेंदों का सामना किया। अक्षर पटेल ने 13 रन बनाकर के उसका बेखूबी साथ निभा रहे थे। भारत को 301 के स्कोर पर 5वां झटका लगा। शोएब बसीर ने अक्षर पटेल को रेहान अहमद के हाथों कैच कराया, वह 27 रन बना सके। अक्षर और यशस्वी के बीच 5वें विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। फिलहाल यशस्वी के साथ निभाने श्रीकर भरत आए थे। यशस्वी 167 बनाकर के क्रीज पर थे और अगले ही गेंद पर शानदार चौका लगा करके भारत को 330 के स्कोर पर 6ठा झटका लगा। रेहान अहमद ने केस भरत को शोएब बसीर के हाथों कैच कराया, अब वह 17 रन बना सके थे। फिलहाल यशस्वी जायसवाल 179 और रविचंद्रन अश्विन 1 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे उसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि मचा हुआ है पूरे इंग्लिश टीम के सामने। दोस्तों आपको बता दें यशस्वी जायसवाल ने शानदार छक्का जड़ करके अपना टेस्ट का दूसरा शतक भी पूरा किया था। दूसरे टेस्ट में भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में 6 विकेट गंवा करके 336 बना लिए। यशस्वी 179 और रविचंद्रन अश्विन 5 रन बना करके नाबाद है। टॉम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम ने शुरुआत ठीक ठाक नहीं रही थी। रोहित ने यशस्वी के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी निभाई, वह 14 रन बना करके आउट हुए। उसके बाद यशस्वी ने शुभमन गिल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 49 की साझेदारी निभाई। शुभमन एक बार फिर फ्लॉप रहे और 34 रन बना करके आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके लगाए, सुरेश 47 और आउट हो गए। उसके बाद उन्होंने सुरेश ने यशस्वी के साथ 90 रनों की साझेदारी निभाई। टेस्ट डेब्यू करने वाले रजत पाटीदार 32 रन की पारी के लिए और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए। उनकी यशस्वी के साथ 70 रनों की साझेदारी हुई। फिर यशस्वी ने अक्षर के साथ 52 रनों की साझेदारी की। अक्षर ने 27 रन बनाए, वहीं श्रीकर भरत 17 रन पवनियन लौटे। यशस्वी फिलहाल 179 की पारी में 17 चौके और 5 छक्के लगा चुके। यह भारतीय टीम शनिवार 400 प्लस रन बनाना चाहेगी। इंग्लैंड की ओर से अब तक शोएब बसीर और रेहान अहमद ने 2-2 विकेट लिए, वहीं जेम्स एंडरसन और टॉम हार्डली को 1-1 विकेट मिला है। दोस्तों आपको बता दें कि हाईएस्ट स्कोर डे वन का अगर बात दोस्तों तो आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल नंबर 1 बल्लेबाज बन गए, जो कि 179 रन ठोक डाले हैं। दोस्तों इससे पहले यह रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था 2011 के बाद के बात कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद 156 रन विराट कोहली और मुरली विजय का नाम था, लेकिन इसमें टॉप स्कोरर अब यशस्वी जायसवाल है, जिसको रोहित शर्मा ट्विटर पे ट्वीट करके भी बोला कि नेक्स्ट जनरेशन सुपरस्टार यशस्वी जायसवाल। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बल्लेबाज का करियर कितना लंबा होने वाला है, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। और आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मैच को जीते और 1-1 से बराबरी करे सीरीज में, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।